अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, तमाम परेशानियां दूर करे, तमाम मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बना दे, तमाम परेशानियां बच्चों की और हमारी हम सब की दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तरबूज बहुत ही प्यारा निकला है मार्केट से। हम बड़ा बजा बजा के लेके आए हैं, बिल्कुल भी खरीदना नहीं आता, लेकिन फिर भी जब खरीदते हैं तो अच्छा ही माशाल्लाह से निकल आता है और बहुत ही मज़ेदार था माशाल्लाह से। ब्रावा सुहाना, ये देखें जी क्लीनिंग ट्रॉली जो लेके दी है ना, उसका फायदा ये हुआ है कि सुहाना ने बिस्किट गिराए हैं और अब ये खुद सफाई कर रही है। आप भी करोगे? चलो बस हो गया सुहाना, उठा लो फेंक के आ जाओ। और फिर जी अल्लाह पर कामल यकीन की एक छोटी सी मिसाल है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। फल काटते हुए बादशाह की उंगली पर कट लग गया तो वो दर्द से कराने लगा। वजीर ने पट्टी करते हुए कहा, परेशान ना हो, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। बादशाह गुस्से से बोला, मेरे जख्मी होने को तुम बेहतरी कहते हो? बादशाह ने वजीर को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। तो वजीर ने फिर कहा, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। सुभान अल्लाह। अगले दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गया तो एक जंगली ट्राइबल कबीले ने उसे पकड़ लिया और अपने देवता पर कुर्बान करने की तैयारी की। कबीले के एक आदमी ने उंगली पर कट देखा तो बोला, कुर्बानी में ऐब है, हमें अपने देवता के लिए बेऐब इंसान चाहिए। बादशाह को छोड़ दिया गया। वापस आकर बादशाह ने सारा माजरा वजीर को सुनाया, जेल से रहा कर दिया और कहा कि तुम ठीक कहते थे, मेरे जख्मी होने में अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रखी थी और मैं वहां से बच के आ गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जेल में डालकर तुम पर जुल्म किया। तो वजीर ने कहा, इसमें भी बेहतरी है। बादशाह ने कहा, अब इसमें क्या बेहतरी थी? तो वजीर ने कहा कि इसमें ये बेहतरी थी कि अगर मैं आपके साथ शिकार खेलने चला जाता तो वहाँ पे मुझे तो कोई कट नहीं था, कोई जख्म नहीं था, वो लोग कबीले वाले मुझे कुर्बानी का बकरा बना लेते, मतलब मुझे अपने देवता पर कुर्बान कर लेते, तो इस तरह मैं कुर्बान हो जाता, तो मैं वहाँ आपके साथ नहीं गया, आपने मुझे जेल में डाल दिया, तो इसमें भी अल्लाह की बेहतरी थी। अल्लाह पर कामल यकीन से मशीयत इलाही की हिकमतें अयां होने लगती हैं और ये यकीन कामल हमें बेशुमार दुनियावी गमों से आज़ाद कर देता है। तो अल्लाह ताला जी हमें कभी किसी मुसीबत में, कभी किसी गम में ना डाले कि हमें ऐसा कोई मतलब के मुसीबत पड़ जाए और हमारा यकीन अल्लाह से उठ जाए। अल्लाह ना करे हमारा यकीन कभी भी अल्लाह पर से उठे, हमेशा अल्लाह पर यकीन रहे और तमाम दुनियावी गमों से हमारे जो आज़ाद कर दे अल्लाह ताला हमें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बिरयानी मेरी बेटी बना रही है और सुबह जब बिरयानी लंच में बनाने लगी तो कहती है, मामा जी आप ऐसा करें, लहसुन अदरक बना दें तो बिरयानी मैं बना दूंगी। मैंने लहसुन अदरक बनाया तो कहती है, मामा जी आप ऐसा नहीं करते कि आप मुर्गी वॉश कर दें तो मैं बना लूंगी। तो मैंने कहा, चलो मैं मुर्गी वॉश कर देती हूँ। अच्छा मामा जी आप ऐसा करें कि वो जो है ना चावल भगो दें। हाँ, तो मैं कहने लगी कि देखो बच्चे मैं सारा ही कर देती हूँ। नहीं नहीं मैं आप बना दूंगी, आप करें। लेकिन उसी ने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह करती भी है, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजाक कर रही थी। और ये देखें जी, साथ में वो खट्टे आलू बना रही है जिसके लिए उसने थोड़े से मस्टर्ड सीड डाले हैं और उसमें डाला है ये कैचअप थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सराचा साग डाली है और ये थोड़ा सा वो डाला है मस्टर्ड पेस्ट डाली है, थोड़ा सा जैतून का ऑयल डाला है और मेथी डाली है। अगर मेथी नहीं है तो आप पार्सले भी डाल सकते हो, ड्राई पार्सले वगैरह। और साथ में चिप्स को कर लिया फ्राई और उस सारे मिक्सचर को पकाया 2-3 मिनट के लिए और चिप्स के ऊपर डाल दिया और ये बहुत ही मज़ेदार खट्टे से आलू तैयार हो जाते हैं।
और बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। तो हमारे घर में जब से इसने बनाए हैं मेरी छोटी बेटी ने, तो तब से सबको पसंद है। वो जब भी कभी बिरयानी बनती है ना, तो वो पूछे ना कि कबाब बना लें या कुछ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा करें खट्टे आलू बना दें। तो इसलिए खट्टे आलू बनाए हमने, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी उसने बनाई और लंच किया। लंच के बाद जी बच्चे कह रहे थे कि आज हमने पसीने में नहाना है, तो बच्चों की बात तो जरूर माननी चाहिए, वरना फिर वो तो जो गुस्से में आते हैं। पाकिस्तान वाली लस्सी। ओ पाकिस्तान वाली लस्सी कौन सी होती है, क्या है इसमें? इसमें है नमक और शुगर नहीं है। ओके शुगर क्यों नहीं डाली? क्योंकि स्क्रैच कटाता है। स्क्रैच हो जाता, ठीक है शुगर से। ठीक है तो आप पाकिस्तान वाली लस्सी पी रहे हो? और अंदर योगर्ट पिया, हेल्दी हेल्दी। ओ माय गॉड, चलो पी लो। मिक्स भी किया। चलो पी लो। क्या दे तू, क्या खा रहे हो आप? मैं बैठी हूँ। बैठी हो? नहीं मैं बैठा हूँ। तुम भी बैठो। मैं तुम नहीं, आप बैठो। तुम भी, आप भी बैठो। ओके मैं भी बैठ गई। मेरे ऊपर पानी नहीं फेंकना। चलो स्विमिंग करो। What is this, Sohana? It's a duck. It's a duck. And what is this? It's a turtle. Okay. And? This is a... Where is mommy duck? Mommy duck is here. Oh, mommy duck is here. Good job. Here's your smoothie. Alan. Wow. ये different है कि वैसे color की वजह से different है? No, it's the same. It's the same. Okay. Taste that, Alan. Try that. Is it good? Good. You like it? Alan, you like it? Yeah. Yeah? दो सुहाना, इसको ऐसे ऐसे छोड़ सकते हो आप, ऐसे छोड़ सकते हो, ये इसीलिए बना है। ये देखो आप इसमें ना, ये देखो आप छोड़ सकते हो इसको ना, अपने वो बॉटल को ऐसे छोड़ सकते हो, वाटर में छोड़ के तो आप नहा लो, इसको छोड़ दो। ये देखो ऐसे ऐसे करता रहेगा, कुछ नहीं होता, ये गिरता नहीं है, ये देखो नहीं गिरेगा। ठीक है Yeah.
थोड़ा सा और डाल दे। लुक प्रेस, सी प्रेस हार्डर, हार्ड। पापा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों ने एंजॉय कर लिया है, तो मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।